हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल न्यूज डिस्कस करेंगे, दैट इज होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर। जब भी हम लोग हमारे देश में टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो अलग अलग तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, चाहे वो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, चाहे वो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, या विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। आज हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे डिफरेंट है इन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर से, स्पेशली द्रविड़ा एंड नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो होपफुली एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों का जो जनरल नॉलेज है उसके लिए भी आज का लेक्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी रेलिवेंट होने वाला है। क्योंकि आज जब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर को देखेंगे तो हम लोग जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कुछ विजुअल्स देखेंगे जो अलग अलग हम लोगों को होयसाला टाइम पीरियड के ऊपर डेवलप हुए टेम्पल्स देखने को मिलते हैं उनके बारे में। होयसाला की अगर मैं बात करूंगा तो होयसाला एक किंगडम हुआ करता था 11th टू 14th सेंचुरी एडी के बीच में, यानी कि आज से 700-800 साल पहले। जो कर्नाटका वाला आपका एरिया है, मॉडर्न जो हमारा कर्नाटका स्टेट है, उस एरिया में किंगडम मौजूद था जिसको हम लोग होयसाला के नाम से जानते थे। होयसाला का टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, 1500 के आसपास टेम्पल जो है उनके द्वारा बनाए गए, लेकिन बाद में जब फॉरेन इन्वेजन हुए तो उन टेम्पल्स को तोड़ दिया गया। इस स्पेसिफिक टाइम पे होयसाला किंगडम के द्वारा बनाए हुए 92 टेम्पल जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से तीन टेम्पल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक टेम्पल जो है वो आपका बेलोर में मौजूद है, क्लियर। एक जो है वो आपका होयसालेश्वरा टेम्पल है, क्लियर। तो इस तरीके से विष्णु और जो शिवा है उनके टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो तीन टेम्पल जो है हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिलेवेंट स्पेसिफिक टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं टेम्पल से संबंधित जो है वो आज हम लोगों को, या कुछ समय पहले हम लोगों को एक न्यूज देखने को मिली जहां पे कहा गया कि इन टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डालने के लिए इंडिया की तरफ से अर्जी दी गई है। देखिए, आप सब लोगों ने शायद सुना ही होगा यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज की जाती है, बहुत सारी प्लेसेस इंडिया की, पूरी दुनिया की उस लिस्ट का हिस्सा है। जो भी प्लेस उस लिस्ट का हिस्सा बनती है, सिंपल सी बात है, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है। बहुत सारे टूरिस्ट को पता चलता है कि ये जगह यहाँ पे मौजूद है, उस जगह को भी फायदा होता है टूरिस्ट परस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूँ। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पेशली यूनेस्को स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, वो उसको मॉनिटरी फंडिंग भी देती है और उसके साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है ताकि वो उस जगह को और ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व कर सके, क्लियर। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आने के काफी फायदे रहते हैं। हिंदुस्तान के इंडिया की बहुत सारी प्लेसेस जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा है। तो इंडिया की तरफ से 2022-23 के लिए जो नई लिस्ट रिलीज की जाएगी उसमें जो हमारे होयसाला एम्पायर के द्वारा बनाए हुए तीन इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उस लिस्ट में रिक्वेस्ट की गई है कि इन टेम्पल्स को भी, जिनको सेक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्लियर, उन टेम्पल्स को भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाला जाए। 2022 में उनकी इंस्पेक्शन होगी, चांसेस हैं कि 2023 में उनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा बना दिया जाएगा। अगेन, ये 2014 से चल रहा है, अभी तक नहीं मिला है, देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। तो अभी जो इंडिया के यूनेस्को के अंदर रिप्रेजेंटेटिव है विशाल शर्मा, उन्होंने जो है वो इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया है, बाकी फ्यूचर में हम लोग इस न्यूज को ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग ये देख लेते हैं कि जो होयसाला एम्पायर है वो हम लोगों को कहां पे देखने को मिलता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये मेनली जो आपका कर्नाटका वाला एरिया है, यहाँ पे मेजर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस स्पेसिफिक किंगडम की हम लोगों को देखने को मिलती है। इस किंगडम के बारे में मैंने आपको बताया, 11th टू 14th सेंचुरी के बीच में ये किंगडम मौजूद था कर्नाटका वाले एरियाज में, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम जो था वो था सा, क्लियर। और इस किंगडम ने बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, और अगर स्पेसिफिकली आप मेरे से पूछोगे तो इनके द्वारा जो मेन टेम्पल्स बनाए गए वो लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा के टेम्पल्स जो है वो बनाए गए, क्लियर। और जिन तीन टेम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है, क्लियर, जिनको सेक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ होयसाला एम्पायर या होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है, जिनमें सबसे पहले है चेन्नकेश्वर टेम्पल जो कि बेलूर के अंदर मौजूद है। तीनों के तीनों मंदिर जो है वो आपके स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को कर्नाटका के अंदर देखने को मिलते हैं। जो चेन्नकेश्वर टेम्पल है ये लॉर्ड विष्णु का मंदिर है। सिमिलरली होयसालेश्वरा टेम्पल जो है वो हेलीबिडू में मौजूद है, क्लियर। और तीसरा जो है वो आपका केशवा टेम्पल जो है वो आपका सुमंथापुरा में मौजूद है। तो पहला और तीसरा टेम्पल लॉर्ड विष्णु के हैं, और ये जो आपका होयसालेश्वरा टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, क्लियर। अगर मैं होयसाला किंगडम की बात करूंगा तो सबसे पहले जो होयसाला किंगडम है उसकी कैपिटल बेलूर में हुआ करती थी, और बाद में जो है उसकी कैपिटल कहां पे शिफ्ट हुई, वो हेलेबिडू में शिफ्ट हुई, क्लियर। तो दो प्लेसेस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए।
लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है, आज के करंट अफेयर का मेन उद्देश्य है, वो है इस स्पेसिफिक टेम्पल आर्किटेक्चर को थोड़ा और समझना कि किस तरह के मंदिर, किस तरह के टेम्पल्स जो हैं वो इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे बनाए जाते थे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताऊं, मैं आप लोगों को इंडिया के अंदर मौजूद टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा। वो हमारे हैं दो आर्किटेक्चर, एक हमारा है नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो आप लोगों को नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि इन स्पेसिफिक एरियाज में देखने को मिलता है। दूसरा आपका है द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखो, जब हम लोग साउथ के सदर्न साइड पे जाते हैं तो वहां पे जो टेंपल्स हैं वो बहुत भिन्न होते हैं, बड़े डिफरेंट तरीके से बनते हैं। नो डाउट गॉड सेम है, भगवान सबके सेम है, क्लियर। और टेंपल आर्किटेक्चर मेनली ये आप लोगों का हिंदुइज्म से रिलेटेड है। वैसे हमें जैन टेंपल्स भी देखने को मिलते हैं, क्लियर, हम लोगों को बुद्धिस्ट टेंपल्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आज का जो टेंपल आर्किटेक्चर या जो होयसाला एम्पायर है ये बेसिकली हिंदू टेंपल्स के साथ रिलेटेड है। नो डाउट होयसाला एम्पायर के द्वारा कुछ जैन टेंपल्स भी बनाए गए, लेकिन मेन जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर में देखते हैं। तो हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो दो मेन हिस्सों में इनको विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आपका है द्रविड़ा स्टाइल, सेकंड इज योर नगारा स्टाइल। तो अगर मैं बात करूंगा तो जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है वहां पे नगारा स्टाइल है, जो साउथ इंडिया वाला एरिया है वहां पे मेनली आपको द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात है कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो आप लोग जान लीजिए। देखिए, ये एक मंदिर का स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्थ इंडिया में बनाया गया है, तो यहां से एक कोई भी टेंपल जो है वो हमेशा एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बना होता है, क्लियर। ये देखिए, ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर इस टेंपल को बनाया गया है। इस रेज्ड प्लेटफॉर्म को हम लोग कहते हैं जगाती। नॉर्थ इंडिया में इस रेज्ड प्लेटफॉर्म को जगाती कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो टेंपल्स बनते हैं, अब आज शहरों के टेंपल्स के साथ उनको कंपेयर मत करना, नॉर्मली जो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो गुप्ताज के टाइम पीरियड पे या जो पालाज हैं उनके टाइम पीरियड पे या गुजरा प्रतिहारा के टाइम पीरियड पे डेवलप हुआ है, क्लियर, वो जो है वो हम बेसिकली उसको एक रेफरेंस के रूप में कंसीडर करते हैं। तो जो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वहां पे हम लोगों को किसी भी तरह की बाउंड्री वॉल देखने को नहीं मिलती है, क्लियर। तो यहाँ पे रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बन गया। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे सीढ़ियां लगी होंगी, इन सीढ़ियों से इस मंदिर के अंदर एंटर करोगे, क्लियर। जैसे ही टेंपल के अंदर आप एंटर करोगे तो ये बिल्कुल आपको एक हॉल सा जो है वो देखने को मिलेगा, जो आपको नॉर्मली आज भी मंदिरों के अंदर देखने को मिलता है। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो एक हॉल सा बना होता है, उस हॉल को क्या कहा जाता है, उस हॉल को मंडप कहा जाता है। वो मंडप भी आगे अलग अलग तरह से कैटेगराइज होता है, लेकिन अभी आप बस समझिए कि इस हॉल को क्या कहा जाएगा, इस हॉल को मंडप कहा जाएगा, क्लियर। फिर धीरे धीरे हम लोग एंटर करेंगे और जो मेन गॉड जहां पे रखा हुआ है, यानी कि जिस भगवान का मंदिर है, शिवा का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, जिस भी गॉड का मंदिर है, उस गॉड की मूर्ति जो है वो यहां पे रखी होगी। और जिस जहां पे मेन गॉड की मूर्ति रखी होगी वहां पे ये जो हमारा टावर सा बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग शिखर कहते हैं, उसकी हाइट सबसे ऊंची होगी, क्लियर। यानी कि मैं बाहर से ही देख के पता चला, मेरे को बाहर से ही पता चल जाएगा कि जो गॉड है, भगवान है, जिसके मंदिर में हम लोग आए हैं, उसकी मूर्ति कहाँ पे रखी गई होगी। तो जहां पे उस गॉड की मूर्ति रखी जाती है, यानी कि ये वाली जो प्लेस है, इसको कहा जाता है गर्भ गृह, क्लियर, इसको गर्भ गृह कहा जाता है। और इसके ऊपर जो है वो आप लोगों को टॉलेस्ट शिखर देखने को मिलता है, यानी कि टॉलेस्ट जो है वो आप लोगों को टावर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे इस इमेज में और चीज भी आपको देखने को मिल रही होगी कि देखिए, मंडप के ऊपर भी टावर बने हुए हैं। तो आसान भाषा में ये जो शिखर है, ये नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में मल्टीपल शिखर हो सकते हैं। कई शिखर का साइज छोटा होगा, कईयों का बड़ा होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा शिखर होगा वो डायरेक्टली सिग्निफाई करेगा कि यहाँ पे जो मेन गॉड है, जो मेन डीआईटी है, जिसकी पूजा की जाएगी, उसको रखा गया होगा। तो ये आपका नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहां तक कहानी समझ आ रही है। नगारा में भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस है कि कई जगहों पे नगारा के बाहर बड़ी सुंदर नकाशी की जाती है, स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, डेकोरेशंस की जाती है, कई जगह अंदर की जाती है, कई जगह अंदर से प्लेन होता है, बाहर से ही डेकोरेशन होती है। तो अलग अलग तरीके के नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो वो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है। सिमिलरली इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वहां पे एक स्टाइल, एक डिफरेंट स्टाइल जो है वो यूज किया जाता है, जिसको हम लोग पंचायतन स्टाइल कहते हैं। पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, जहां पे जो मेन श्राइन है, मेन मंदिर जो है, वो चार छोटी छोटी श्राइन से, चार छोटे छोटे मंदिरों से जो है वो सराउंडेड होता है। यानी कि मेन श्राइन सेंटर में होती है और उसके चारों तरफ जो है आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं, जहां पे बाकी गॉड्स की
या अलग गॉड्स की जो है वो मूर्तियां रखी गई होती हैं, दैट इज पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। क्लियर? तो इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, चाहे मैं नदन की बात करूंगा यानी कि चाहे मैं नगारा की बात करूंगा, चाहे मैं द्रविड़ा की बात करूंगा यानी कि मैं साउथ की बात करूंगा, दोनों में हमें पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। क्लियर? तो नॉर्मली आप जब भी टेम्पल्स में जाओगे, वेरिएशन जरूर है नदन एंड सदन में, लेकिन दोनों जगहों पर हम लोगों को पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। क्लियर? सॉरी, यहां तक होपफुली क्लैरिटी हो रही होगी। इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं वहां पे आप लोगों को वाटर टैंक वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। अब आ जाओ सदर्न इंडिया के टेम्पल्स की तरफ, जिसको हम द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कह रहे हैं। तो देखो, जो यहां पे शिखर बना हुआ है, इसकी जो शेप, आउटर शेप है, वो थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगी। क्लियर? डन। सेकेंड जो है, यहां से आपकी एंट्री है टेम्पल की, यहां से आपकी टेम्पल की एंट्री है। तो जैसे ही आप टेम्पल में एंटर करते हो, तो एक बड़ा सा गेटवे बना होता है जो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में नहीं होता है। तो जो बहुत बड़ा गेटवे बना होता है उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम होता है गोपुरम। फिर धीरे धीरे आप टेम्पल में एंटर करते हो, और फिर जैसे ही आप टेम्पल के अंदर एंटर करोगे, यानी कि जो टेम्पल की प्रिमाइस है, जिसके बाद आप सीधा जो है वो जो मेन गॉड है उस तक पहुंचोगे, उसको जो द्रविड़ा है उसमें भी मंडप कहा जाता था। देखिए, वहां पे भी मंडप था, यहां पे भी मंडप था, लेकिन मंडप के ऊपर आपको कभी भी शिखर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि द्रविड़ा में शिखर जो है वो एक ही जगह पे होगा, और वो कहां पे होगा, जहां पे जो मेन गॉड है, जो मेन डेआईटी है, जिस जगह को हम लोग गर्भगृह के नाम से जानते हैं, जहां पे मेन गॉड को रखा जाएगा, सिर्फ वही जो प्लेस है, वही स्पेसिफिक जगह जो है उसके ऊपर हम लोगों को शिखर देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिखर जो है वो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कहीं भी नहीं है, और नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में शिखर तो मल्टीपल होते हैं, लेकिन जो टॉलेस्ट शिखर होता है वहां से हमें पता चलता है कि दिस इज दी गर्भगृह, या यहां पे गर्भगृह जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। कहानी समझ आ रहा? सेकंड है वाटर टैंक। नॉर्थ इंडिया में जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, तो नॉर्थ इंडिया में बड़े कम देखने को मिलेंगे, नॉर्मली नहीं देखने को मिलते हैं। द्रविड़ा में आप लोगों को वाटर टैंक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वॉल्ड नहीं होती चारों तरफ से मंदिर, यहाँ पे आपको चारों तरफ से जो है वो मंदिर जो है वो उनकी दीवारें, चार दीवारी जो है वो देखने को मिलती है। तो डिफरेंस है नगारा और द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। क्लियर? तो अगर मैं द्रविड़ा की बात करूंगा, तो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो चोलास और पल्लवास के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया, और नगारा की जो शुरुआत है वो गुप्तास के द्वारा हुई, उसके बाद मल्टीपल जो नॉर्दर्न इंडिया में किंगडम्स थे उनके द्वारा जो है उसको और ज्यादा फ्लरिश किया गया। क्लियर? तो सबसे पहले साउथ इंडिया में पल्लवास आए थे, पल्लवास को जो है वो चोलास के द्वारा रिप्लेस किया गया था। तो जब इवन जब होयशाला आपको किंगडम देखने को मिल रहा है कर्नाटका में, उस स्पेसिफिक टाइम पे जो तमिलनाडु वाला एरिया है वहां पे चोला किंगडम, जिनको हम इंपीरियल चोलास के नाम से जानते हैं, वो देखने को मिलता था। और होयशाला के जो राजा थे विष्णुवर्धन, उनके द्वारा सबसे पहले जो वो चोला राजा को ही हराया गया था, और वहां से होयशाला किंगडम ने अपने आप को फ्लरिश करना शुरू किया था, अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू किया था। अब ये टेम्पल आर्किटेक्चर मेरे को आपको दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सके होयशाला टेम्पल आर्किटेक्चर और जो टेम्पल आर्किटेक्चर बाकी हम लोगों को देखने को मिलते थे उनके बीच में। वैसे हमारे यहां पे एक और तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर होता है जिसको हम लोग वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं जो आप लोगों को नॉर्थ और साउथ के बीच वाला जो एरिया है, कर्नाटका वाला मेनली जो एरिया है, पटनगल वाली एरिया जो हो गए वहां पे देखने को मिलता है। क्लियर? और यहां पे या ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो चालुक्यंस के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया। कभी कभी हम होयशाला को भी वेसारा के साथ डील करते हैं। वेसारा का मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ फीचर्स नगारा के होते हैं, कुछ फीचर्स द्रविड़ा के होते हैं, उन दोनों की इंटरमिक्सिंग में हम लोगों को वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जो होयशाला टेम्पल आर्किटेक्चर है वो इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। यही कारण है हम लोग इसको अलग से डिस्कस करते हैं, अलग से पढ़ते हैं, और अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को इनका डिफरेंस जो है वो भी बता दूंगा। क्लियर? तो होपफुली आप लोगों को जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में थोड़ी सी विजुअलाइजेशन हो रही होगी। अब चलते हैं हम लोग जो होयशाला टेम्पल्स हैं, तीन टेम्पल्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कौन कौन से हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आर्किटेक्चर के ऊपर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये आपको जो है वो एक मंदिर देखने को मिल रहा है, होयलेश्वरा टेम्पल है स्पेसिफिकली ये। अब देखो, इस टेम्पल को अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, अब नॉर्मली क्या है कि जैसे मैंने नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको बताया, तो मैंने कहा कि जो शिखर है वो एक सबसे बड़ा होगा, वहां से हमें पता चलेगा कि मेन गॉड जो है वो वहां पे है, उसकी मूर्ति वहां पे रखी गई है। क्लियर? जो द्रविड़ा है वहां पे एक ही होगा, तो वो तो देख के पता चल जाएगा कि जो मेन गॉड है वो कहाँ पे जो है वो प्रिजाइड कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, जो होयशाला है यहाँ पे ये वाला शिखर,
और ये वाला शिखर, दोनों की जो हाइट है वो क्या है, सेम है। क्लियर, दोनों की हाइट जो है वो क्या है, सेम है। तो यहां पे जो है वो आप लोगों को मल्टीपल गर्भ गृह देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको एक गर्भगृह नहीं, मल्टीपल गर्भगृह देखने को मिलेंगे। और होयशाला की एक खासियत भी है, यहां पे आप लोगों को एक गर्भगृह यानी एक शिखर भी देखने को मिलेगा। अगर मैं हुलेश्वरा की बात करूंगा तो वहां पे मेरे को दो जो शिखर हैं वो देखने को मिलेंगे। क्लियर, अगर मैं सुमंथापुरा की बात करूंगा तो वहां पे जो है वो मेरे को तीन शिखर देखने को मिलेंगे। तो यहां पे और शिखरों की जो हाइट है वो सेम होगी, तो अलग अलग जगहों के ऊपर जो है वो आप लोगों को, जैसे ऐसा मानते थे कि जो हुलेश्वरा टेम्पल था वहां पे जो एक शिखर था, वहां पे जो राजा था उसका, उनके द्वारा जो है वो भगवान की मूर्ति शिवलिंग को रखा गया था, और जो दूसरे वाला था शिखर वहां पे जो रानी थी उसके द्वारा रखा गया था। तो अलग अलग तरीके से जो है वो हम लोग इन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज समझ आ गई। दूसरी चीज, अब देखिए ये जो टेम्पल बना है, ये टेम्पल एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। तो यहां पे नगारा का फीचर आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मंदिर या टेम्पल को बनाया जाएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मेरे को नगारा और द्रविड़ा में देखने को मिलता है, वो पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हम लोगों को होयशाला टेम्पल आर्किटेक्चर में नहीं देखने को मिलता है। यहां पे स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टेटाइट भी कहते हैं। तो देखिए वो कैसा है, ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा डिजाइन करूंगा तो आपको पता चलेगा ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मतलब आसान भाषा में ऐसे, मतलब जो टेम्पल बना होगा जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर होगा। वो बेसिकली स्टार लाइक क्या है, वो स्केयर्स होते हैं, जो स्केयर एक दूसरे को काट रहे होते हैं, तो बाहर ऊपर से जब हम लोग देखते हैं तो हमें वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है। क्लियर, तो नीचे वाला एरिया भी ऐसे होगा और जो ऊपर वाला एरिया है यहां पे भी आप लोगों को प्रॉपर ऐसे स्टार की तरह शेप जो है वो देखने को मिलेंगे चारों तरफ पे। क्लियर, तो होयशाला टेम्पल आर्किटेक्चर होपफुली आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए वाटर टैंक जो है, होयशाला टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको वाटर टैंक देखने को मिलेगा। होयशाला टेम्पल आर्किटेक्चर की जो दीवारें हैं वहां पे देखिए मल्टीपल स्कल्पचर्स, आई डोंट नो कि कितना क्लियरिटी में दिख रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी विजुलाइज तो हो ही रहा है। मल्टीपल स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जानवरों के स्कल्पचर्स हैं, वेजिटेबल्स या जैसे फूलों के स्कल्पचर हैं, भगवान के स्कल्पचर्स हैं। क्लियर, अलग अलग जो गॉड से रिलेटेड स्टोरीज हैं वो स्कल्पचर्स की फॉर्म में समझाई गई हैं। जो समुद्र मंथन जिसके बारे में आप सुनते हो उसके स्कल्पचर्स प्रॉपर बनाए गए हैं, जहाँ पे एक तरफ से गॉड दूसरी तरफ से जो राक्षसा है वो स्पेसिफिक जगह को जो है वो खींच रहे हैं। क्लियर डन। ये देखिए जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं, क्लियर, जैसे ही हम लोग जो है वो एंटर करते हैं होयशाला टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर, तो एंट्री के ऊपर ही आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर जो है वो मर्क तोराना जो है वो देखने को मिलता है। मतलब एक ऐसा मान लो कि ऐसा, ये स्पेसिफिक जो डिजाइन है, ये स्पेसिफिक जो इमेज है, ये डिपिक्ट करती है वे टू हेवन, कि आप लोग जो है वो हेवन के अंदर प्रवेश कर रहे हो। तो जैसे आप मंडप में, जैसे यानी कि टेम्पल के अंदर एंटर करना शुरू करोगे तो ऊपर जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा स्कल्पचर। क्लियर, और जैसे आप टेम्पल में एंटर कर गए, अब देखो दिस इज मंडपा, ये मंडप है, और मंडप में देखो पिलर्स कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो सर्कुलर पिलर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो होपफुली आप लोग यहाँ पे विजुलाइज कर पा रहे होंगे। अब देखिए यार, ब्यूटी सुंदरता तो बस इसी चीज में है कि आप इस चीज को इमेजिन करो, इस चीज को सोचो कि कितनी मुश्किल से जो है इन टेम्पल्स को बनाया गया है। क्लियर, और जो स्टोन यूज हुआ है इन मंदिरों को बनाने के लिए वो मेटामॉर्फिक रॉक थी। क्लियर, सोप स्टोन जिसको हम कहते हैं, सिस्ट रॉक, जो थोड़े ज्योग्राफी वाले बच्चे होंगे उनको समझ आ गया होगा कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, काफी पावरफुल होती है। इवन जब मलिक कफूर के द्वारा अटैक भी किया गया इन मंदिरों के ऊपर, क्लियर, तब भी ये मंदिर जो है वो हम लोगों को, या डैमेज तो हुए हैं, ऐसा मानते हैं कि ये मंदिर का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जब आप इनको देखते होगे तो बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स जो हैं वो आप लोगों को अंदर भी और बाहर भी जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो ये आप लोगों का, देखिए दिस इज योर, देखिए ये बिल्कुल स्टार लाइक, यहां से ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि जो आप लोगों का शिखर है वो देखिए कैसे बना हुआ है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर डन, कहानी सबको समझ आ रही है। और ये जो पिलर्स हैं, ये तो चलो हम लोगों ने उसकी इमेज जो है वो वैसे भी देख ही ली। तो ये है हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर में होयशाला टेम्पल आर्किटेक्चर। और नॉर्मली जब हम लोग मीन्स की भी बात करते हैं तो वहां पे कल्चरल एस्पेक्ट से या तो कल्चर के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि कल्चर का मतलब क्या है, आर्ट का मतलब क्या है, हेरिटेज का मतलब क्या है, या कल्चरल एस्पेक्ट से हम लोगों को डायरेक्टली फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होपफुली आप लोगों को जो होयशाला टेम्पल आर्किटेक्चर है या होयशाला के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स, उनके बारे में क्लैरिटी हुई होगी। डन, तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।